ये पॉसिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। बस मैं दो चीज़ें आपसे यहाँ पर चाहता हूँ, मुझे दो बात बताइएगा, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या नहीं, एक ये बात हो गई। और दूसरी बात ये है, नीट प्रिपरेशन के दौरान फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। खासकर मैं इस समय पर बात करूं तो आपका ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड चल रहा है, और अगर इस समय पर आपकी फिजिक्स ख़राब हो जाती है तो बाकी के अगर दो सब्जेक्ट आपके ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये इनको भी लाकर पीछे खड़ा कर देगी। इसके चक्कर में आपके वो भी सब्जेक्ट खराब हो सकते हैं। तो आपके पास इस समय के लिए फिजिक्स को लेकर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके पास प्लान होना चाहिए कि आप इस समय पर फिजिक्स में कितना स्कोर कर रहे हैं, साथ ही साथ कैसे आपको अब आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि आप नीट 2020 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को ही सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चले। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। लगातार मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, क्या अभी भी कोई पॉसिबिलिटी है जिससे कि फिजिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर। पॉसिबिलिटी एक ऐसी चीज है जो कभी भी खत्म नहीं होती। बस मैं दो चीजें आपसे यहां पर चाहता हूं, मुझे दो बात बताइएगा, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या नहीं, एक ये बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए जो काम करने, जो मेहनत करने की जो इच्छा शक्ति चाहिए, क्या वो आपके अंदर है या नहीं है। अगर ये दोनों बातें आपके अंदर है, आप डॉक्टर बनना भी चाहते हैं और उस लेवल की मेहनत भी कर सकते हैं, तो अभी भी पॉसिबिलिटी है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप इन बचे हुए 60 दिनों में भी अच्छे मार्क्स फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं, केवल और केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन करके और साथ ही साथ जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको करके। कैसे होगा ये सारी चीज़ें, आइए मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ। इनको अगर आप फॉलो करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी में इनको शामिल करेंगे, तो ज़रूर आप अच्छे मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि आपका, देखिए सबसे पहले तो आपका सिलेबस कितना हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, कितना सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है उसका एक प्रॉपर चार्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो सिलेबस है अगर आपका अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसको कंप्लीट करिए। अगर अब कंप्लीट नहीं कर सकते पूरा तो आपको क्या करना है, मिनिमम उन टॉपिकों को तो कर ही लीजिए जहां से आपके 80% क्वेश्चन पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। अब बात आती है ये कहां से आपको मिलेंगे, तो इसकी पूरी एक लिस्ट, पूरी एक स्ट्रेटजी मैंने बना कर दी है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां पर मैंने बताया है कि पिछले 10 सालों में कहां से आपके 80% क्वेश्चन आए हैं, उन टॉपिकों की मैंने बात की है, ये टॉपिक आपको यहां पर मिल जाएंगे, तो इनको तो जरूर करके जाइएगा। तो पहला पॉइंट यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस है उस पर ध्यान दीजिए कि कहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा आपको कि फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं इन टॉपिकों से या फिर आपके जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी आपका हो सकता है। साथ ही साथ अगर इतना आपने कर लिया तो आप आसानी से इतना इसमें आ जाता है कि 120 से 140 प्लस तक भी आप जो है वो पहुंच सकते हैं। बस ये है कि मैंने भाई बताना, इच्छा शक्ति होनी चाहिए जितना इस वीडियो में, इस वाली वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूं, इसको अगर आपने देख लिया 20% टॉपिक जहां से 80% क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से पूरा अच्छे से मैंने आपको डिजाइन किया कि किस तरीके से आपको लेकर चलना है, बस 2 महीने दे दीजिए, अच्छे से लगा दीजिए, गारंटी मैं कह रहा हूं कि 120 प्लस ही आएगा, इससे नीचे नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो पहला काम आपको ये करना है। और साथ ही साथ जब आप ये वाले टॉपिक देखें तो ये बात आती है कि सिलेबस को पढ़ेंगे कहां से, कंप्लीट कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या करें, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये वाले जो टॉपिक हैं आपके वो कैसे करने हैं, या तो वो किसी एक बुक से आपको फॉलो करना है, बुक से तो छोड़ दीजिए, फिजिक्स हो नहीं पाती, तो मैं कहूंगा किसी एक टीचर को पकड़िए और उस पर विश्वास रखिए, जिस तरीके से भी वो अभी लेकर चल रहा है उसका क्रैश कोर्स चल रहा हो, मैं यहां पर जो है वो सजेस्ट नहीं करूंगा। बहुत सारे टीचर हैं, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर, यूट्यूब पर, आप जो अच्छा लगे आपको, अपनी समझदारी से अच्छे से चलिए। आपको पता है कि आपको किस तरीके से कितना समझ में, कितनी देर में आता है, आप अपनी पोजीशन इस समय पर आपकी सिचुएशन क्या है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से एक अच्छा टीचर पकड़िए और उसको देखिए, अगर वो आपकी जिम्मेदारी ले रहा है क्रैश कोर्स कराने की तो उसको जल्दी से करने की कोशिश करिए। अगर खुद से पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो इन जो है इन वाले टॉपिकों को जरूर अच्छे से करिएगा। थोड़ा सा समय लग जाएगा, हालांकि मैं इसमें वीडियो में बता देता आपको ये वाले कौन से टॉपिक हैं, लेकिन थोड़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके बताया है, वो वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूं, उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो आपके लिए है, ठीक है ना। तो पहला काम आपने ये कर लिया। दूसरा काम क्या करना है आपका, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपका रिवीजन। रिवीजन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिवीजन आप कैसे करेंगे। रिवीजन जो है आपका प्रॉपर रिवीजन यहां पर साथ के साथ चलना चाहिए। रिवीजन ही सक्सेस की है यहां पर। आज आप पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे अगर आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया, और फिजिक्स जहां थी आपकी वहीं की वहीं रह जाएगी। तो ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कैसे रिवीजन करें, क्या किसी के नोट से करें, अपने नोट से करें, किसी वीडियो देखें। तो देखिए अभी आप जब पढ़ें तो आप शॉर्ट नोट जो है वो बनाकर लेते हुए चलें, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन आपका शॉर्ट नोट जो है वो जल्दी आने वाला है। इस वीडियो के बाद अगली वीडियो वही आएगी, आप कैसे
एनसीईआरटी के नोट जो है वो पा सकते हैं। केवल उसमें आपको वही करना है, आपको जो है वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। ये शॉर्ट नोट्स आपको कैसे मिलेंगे उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, बस उसका इंतजार करिए, वो भी आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। वरना तो मैं ये कहूँगा कि अपने हाथ से अगर शॉर्ट नोट्स बनाओगे, आपको पता है कौन से पॉइंट आपको याद हो रहे हैं कौन से नहीं हो रहे हैं, उस तरीके से अगर शॉर्ट नोट्स बनाओगे, फॉर्मूले के नोट्स बनाओगे तो आपके लिए हो जाएगा। वरना मैं तो आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा ही, उसमें मैं आपको बताऊँगा ना केवल फिजिक्स के बल्कि केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, सबके शॉर्ट नोट्स की मैं जो है उसमें बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा क्या है आपका, रिवीजन। रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए आपका, ये रिवीजन जो है आपकी फिजिक्स को और अच्छा बेहतर करता जाएगा, ठीक है ना। अब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, प्रॉपर रिवीजन भी कर रहे हैं, अब उसको चेक कैसे करेंगे कि आपसे क्वेश्चन लग भी रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। दूसरी बात, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं जिनका रिवीजन आप कर रहे हैं लगातार, उनसे किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड बन रहे हैं, क्या बन रहा है, वो सारी चीजें आपको पता चलती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर में किसी भी टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, क्या पैटर्न रहा है, क्या लेवल रहा है क्वेश्चन का, वो सारी बातें आपको पता चलेंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। लास्ट 10 ईयर के जो है मैं कहूंगा आपसे, ज्यादा मत लगाइए, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन तो आपके लिए लगाना ज्यादा जरूरी है। अब अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डाउट भी आएंगे, ठीक है ना, टीचर तो आपके पास अवेलेबल होगा नहीं जो आपको बताए, तो आपके डाउट भी आएंगे। ना केवल फिजिक्स में डाउट आते हैं बल्कि और भी सब्जेक्ट में डाउट आते हैं, तो आपको क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट को इससे फायदा हो रहा है और मैं हर बार इसको रिकमेंड कर रहा हूं, जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आती है मैं कहता हूं कि आपका एक डाउट नट ऐप है। कौन सा है, डाउट नट ऐप एक है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, काफी अच्छा ऐप है, खुद स्टूडेंट के द्वारा मुझे रिकमेंड किया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाकर इस डाउट नट ऐप को डाउनलोड करिए। अगर ये नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप लिंक भी मैं दे रहा हूं, उस व्हाट्सएप लिंक पर आप सेंड करिए, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, जो भी आपका टॉपिक हो, जिसका भी आपका क्वेश्चन हो, उसको आपको करना है। बस करना क्या रहता है, देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है, कोई भी डाउट अगर आपका आता है तो, जैसे कि बायोलॉजी के क्वेश्चन आपने लगाए और बायोलॉजी में अगर कोई डाउट आया तो सिंपली उसका फोटो आपको लेना है, क्रॉप करना है, सेंड कर देना है, एक वीडियो सॉल्यूशन तुरंत ही आपके पास आ जाएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये सबसे अच्छा तरीका है, किसी भी टीचर का इंतजार मत करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं और यही आपकी नैया जो है वो पार लगाने वाले हैं। अगर इतना कर लिया, अपनी स्ट्रेटजी जो भी बना रहे हैं उसमें इन 3 पॉइंटों को जरूर रखिएगा, साथ ही ये वाली वीडियो देखिए, डाउट नट ऐप आपके पास होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये तो किसी भी कैटेगरी का अगर आप कर रहे हो तैयारी, मतलब किसी भी कैटेगरी का, मतलब चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में हो या एसएससी के हो, कोई भी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के जो है वो ये इसका नाम सुना है, तो आप जाइए, बहुत अच्छा ऐप है, इसको डाउनलोड करिए, उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। साथ ही साथ रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट जरूर तैयार करिए, इससे रिलेटेड कोई और जानकारी आपको चाहिए है, अगर आपके शॉर्ट नोट से रिलेटेड तो मुझे बताएं, हालांकि इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और भी कोई मदद आपको चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मुझे बताएं, फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पलर क्वेश्चन वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप मेहनत करिए, 2 महीने के लिए अच्छे से लग जाइए, किसी का मत सुनिए और किसी एक ऐसे टीचर को पकड़िए आपका यहां पर अभी इस समय क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हो, जो कंप्लीट कराने की बात कर रहा हो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट नोट्स कैसे आपको मिलेंगे उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझसे यहां पर जुड़ सकते हैं मेरे क्रैश कोर्स के दौरान भी, मेरा भी आपका केमिस्ट्री का लगातार क्रैश कोर्स की फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं, उसके बारे में भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपनी वीडियो का सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। रोज 2:30 बजे वैसे मेरी लाइव क्लास चलती है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।